Hello everyone, this is Harinder Sahu from King Research. Guys, सबसे पहले happy Holi to all of you. आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं. कैसी रही आप लोगों की होली? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा रहा आप लोग, कैसे आज सेलिब्रेट किया आज आपने है होली. हमने तो बहुत बिंदास किया, धूमधाम से किया. और गाइस अभी देखो 12:30 हो रहे हैं. मैंने एक एपिसोड 9 बजे 9:30 के एक जो पिंग था मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल दिया था निफ्टी के लेवल्स बैक निफ्टी के लेवल्स और कैसे प्रेडिक्ट करेगा मार्केट. और 17%, यस हाउ मेनी परसेंट्स, 17% मार्केट गिरा है 12,400 के लेवल से. आज का लेवल जो आप मंडे का लेवल देखोगे ऑलमोस्ट 17% निफ्टी गिर गई वहाँ से, ठीक है. और आज आप देखना डाउ जोन्स का थोड़ा सा देखना, एक अच्छी खुशखबरी है कि डाउ जोन्स में हल्के से रिकवरी आई. रिकवरी खुलते मतलब गैप अप के साथ खुला, गैप अप से खुलने के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई. रिकवरी खुलने के बाद फिर नीचे की तरफ गया, फिर नया लो मारा, नया लो मार के फिर अब अभी जो चल रहा है 12:30 का सिनारियो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, राइट. तो कल भी कुछ निफ्टी को मैं इसी तरह से देख रहा हूँ कि ज़्यादा तेजी नहीं है, ज़्यादा तेजी की अभी उम्मीद मत करना. कल हो सकता है कि हमारा मार्केट में भी गैप अप खुले. गैप अप खुलने के बाद कल की जो ओपनिंग रहेगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट की, तो उस पर नज़र रखेंगे. और चलिए सबसे पहले मैं रिकैप कर देता हूँ कि मंडे वाले दिन, मंडे के दिन हम लोगों ने क्या क्या कॉल्स दिए थे और क्या परफॉर्मेंस रहा, किस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया इसमें, ठीक है. तो आ जाइए कम टू फर्स्ट पॉइंट. होप यू रिमेंबर क्लियर कट निफ्टी फ्यूचर्स के क्रूशियल सपोर्ट बोला गया था 10,870 के नीचे. मंडे को गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद गिरता गया गिरता गया. उसके बाद जो शार्प रिकवरी आई 1:30-2 बजे के बाद, उसके में रिकवरी आई, आपने भी नोटिस किया होगा. और मंडे को क्लियर कट हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि भैया 10,000 नोट करिएगा. बोला था कि नहीं बोला था? किसी को प्रूफ चाहिए मेरे को व्हाट्सअप कर देना, आई विल शो यू द प्रूफ. क्लियर कट मेंशन किया गया था भाई साहब 10,190 पे बाई करो. 10,190 पे बाई कराया और वहां से आप नोटिस करो निफ्टी ने रैली दिया. जिस लेवल पे बाई करा वहां से उसने उलपलट के नीचे नहीं देखा, वहां से नॉन स्टॉप 250 पॉइंट की रैली दी है. 520 मतलब 200-220 पॉइंट की रैली दी है. लो पे बाई कराया था. और जिस स्टूडेंट्स को मेरा मिला था, अहमदाबाद वाले स्टूडेंट्स, अगर मिला है आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में बोलना हमने बोला था या नहीं बोला था, क्लियर कट बोला था नहीं बोला था. लाइव मार्केट में गिरते हुए पैनिक में जब 6% निफ्टी गिरा हुआ था और मैंने क्लियर कट वहां पे बोल दिया था हम लोगों ने कि भैया इसको बाई करके जाओ, 10,190 पे क्लियर कट मैसेज दिया था, बाई करो बिंदास. और वहां से 220 पॉइंट की चाल निफ्टी ने दी है. हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट हम इसी तरह से दी जाती है. और जिसको मिला ये लेवल्स बताना मेरे अहमदाबाद वाले भाई, तुम्हारे को मैसेज डाला था कि नहीं डाला था, क्लियर कट है सर रिजल्ट, कमेंट सेक्शन में जाकर देख लेना, आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है. 10,870 का सपोर्ट दिया था, वहां से नीचे 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 नीचे. मैंने आपको क्लियर कट बोला था 10,947 के ऊपर आएगा तभी हम तेजी का सोचेंगे, अदरवाइज जो लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा नोट कर लो, 1147 का लेवल, रामबाण की तरह नोट कर लेना मेरे भाई इस चीज को, ठीक है. बैंक निफ्टी क्रूशियल से 27,500 आपने देखा, 27,000 के नीचे 27,500 हमने जो लेवल दिया उसके नीचे गिरा और नॉन स्टॉप. अगर तेजी आनी थी तो 27,800 के ऊपर 27,830 के ऊपर आता तो हम बाई करते, अदरवाइज हम सिर्फ सेल साइड में थे. और देखो रिजल्ट बैंक निफ्टी में क्या धमाकेदार चीज चली हमारे हिसाब से. लेवल्स इंपॉर्टेंट है, चेक करना. मारुति बोला था 6430 के ऊपर, गैप डाउन खोला, खुल गया नीचे, हमें बाई करना नहीं था, ये हमारे रडार पे था ही नहीं. अगर इसके ऊपर जाता तो एक्टिवेट था, एक्टिवेट ही नहीं था, छोड़ देंगे. लार्सन टर्बो खुलते ही साथ गिरता चले गया और मैंने क्या बोला यहाँ पे, कैच एट ओपनिंग बैंड एंड गो लॉन्ग विल जूम टू क्विट 1186-1205. मेरे बड़े भाई खुलते ही साथ बाई करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा खोपड़ी खोलो, थोड़ा सा ढक्कन रिचार्ज करो अपना दिमाग का. ओपनिंग बेल आप बाई कर रहे हो, देख तो लो पोटेंशियल है कि नहीं है, देखो उसको कि पहला एक मिनट का जो कैंडल है किस तरह का पावरफुल बन रहा है. अचानक से एक अच्छा खासा गैप डाउन खुलने के बाद
गिरता चले गया, मतलब थोड़ा सा गैप गैप डाउन खुला, उसके बाद फिर गिरा और नॉन स्टॉप फैलता चले गया। जिस लोगों ने ट्रेड किया है मेरे भाई, मेरे SRM का स्ट्रैटेजी देख लेना, आई एम अ सबिर रिसर्च रिसर्च एनालिस्ट, मैं यहाँ पे SL नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मैं आपको SL नहीं बता रहा, मेरा SL 1.5 से 2% का ज़्यादा नहीं होता है। ईच एंड एवरी ट्रेड शुड बी या 1.5 से 2% से ज़्यादा मैं SL नहीं लगाता हूँ। कोई एक्सेप्शनल केस होगा टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें तो हमारा बहुत मोटा नुकसान हो गया। मेरे भाई मोटा नुकसान नहीं हुआ है, आपको स्टॉप लॉस पता है 1.5 से 2%, जहां पे आपने एंट्री लिया वहां से 1.5 से 2% अपना कैलकुलेट कर लो, उसके हिसाब से क्वांटिटी लो अपना। ऐसे नहीं लो हवा में एंट्री कि भैया कभी मन चले 1000 क्वांटिटी उठा ली, मन चले फ्यूचर उठा लिया, मन चल गए जो 100 ही उठा रहे हो, मन चले 10 उठा रहे हो। रिस्क डिसाइड करो। रिस्क कैसे डिसाइड करो, SRM की स्ट्रैटेजी दिया, बार बार चिक चिक के चला रहा हूँ, मेरा SRM की स्ट्रैटेजी देख लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा वीडियो, फिर मेरा लेंथी हो जाएगा। एशियन पॉइंट 40 पॉइंट गिरा है, लक्ष्मण रेखा क्लियर कट बोला था 1900 04, गो शॉर्ट बिटवीन मेंशन किया गया था, गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मजे की चीज बताऊं आपको, अगर आप एशियन पेंट को नोटिस करोगे तो एक चीज मैं आपको एशियन पेंट में बताना चाहूंगा, क्या ये एशियन पेंट का जो स्टॉक था क्या हमारे उल्टा पुल्टा स्ट्रेटेजी में था? सर फ्राइडे का जो लो है 1834 है, और 1884 50 पॉइंट्स की मूव दिए 1800 के स्टॉक ने, यह हमारे उल्टा पुल्टा स्ट्रेटेजी में था। ऊपर खुलते ही साथ हमने इसको, जैसे लो टूटा इसने, हमने इसको ठोका और वही लेवल मैंने आपको दिया है, गो शॉर्ट बिटवीन 1885 1890। चेक कर लो दिमाग लगा, आप सोचते हैं ना कैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन देता हूं, मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में स्ट्रेटेजी दी है, उल्टा पुल्टा पार्ट वन पार्ट टू, मार्केट प्लस माइनस, निफ्टी 920 925 स्ट्रैटेजी, CPR 1 और 2 फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। समझो सर मैं इस चीज के पहले चार्ज करता था, आप लोग को एक रिटेल ट्रेडर हो, आप लोग हर जगह मारे जाते हो फंसे जाते हो, इसलिए मैंने अपनी डायरी में से वो स्ट्रैटेजी आपको दी है जिससे मैं खुद पर्सनल ट्रेड करता हूँ और करता रहूंगा और करता था बहुत पहले टाइम से, बट अगेन पता नहीं क्यों नहीं फॉलो करते हो। वही लेवल दिया, वहां से 40 पॉइंट गिरा मेरे भाई एशियन पॉइंट, 40 पॉइंट का परफॉर्मेंस। हमारा परफॉर्मेंस 1 2 3 4 रुपए का चिंदी टारगेट, वी डोंट बिलीव। महिंद्रा एंड महिंद्रा 10 रुपए वहां से गिरा। एस्कॉट 40 पॉइंट्स अगेन इन एस्कॉट। एस्ट्रो नंबर 830 का दिया था और बोला था क्लियर कट। लक्ष्मण रेखा 846 का है भाई, बिग मेजर प्रॉब्लम इन दिस एस्कॉट, बिग रेप ऑन कार्ड, और 40 पॉइंट्स एस्कॉट वहां से गिरा। तो टोटल 5 स्टॉक्स दिए थे, मारुति एक्टिवेट नहीं हुआ, LNT मान लो स्टॉप लॉस हमारा 2% का हिट हो गया, रिमेनिंग तीनों कॉल्स में हमें अच्छा खासा, एक में 40, दूसरे में 40, एक में 10 पॉइंट मिल के दिया है। तो आप कैलकुलेट कर लो, अगर आप 1000 रुपये का रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो तो एक में LNT में 1000 रुपये आपके गए, और बाकी में कितने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, खुद कैलकुलेट कर लो भाई, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं एपिसोड नंबर 6 की, यानी कि कल 11 मार्च 2020 में क्या हो रहा है मेरे भाई। आई एम सो सॉरी, एंजॉय कर रहे थे, हैप्पी होली, दोस्तों के साथ बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, इसलिए इतना लेट हो गया, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोला है एपिसोड आपके लिए बनाऊंगा अंटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। सर अभी आया हूँ और अभी आपके लिए बैठ गया मैं लाइव, आपको हेल्प हो जाए जिससे कि, और अगर हेल्प हो रही है मेरे भाई ठोको लाइक। अगर आपका लाइक नहीं मिलेगा मेरे को, सब्सक्राइब करो शेयर करो, अगर लाइक नहीं मिला मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको अगर चीज नहीं समझ में आ रही है, लाइक नहीं मिल रही है, कोई फोर्स नहीं है मेरे भाई, अगर मेरे लेवल्स काम कर रहे हैं ठोको लाइक, बिना लाइक के मैं बात, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। सर रात को 11:30 पर आप लोग के आ रहा हूं और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों बना रहा हूं सर, आपकी मेरे भाई अगले दिन हेल्प हो जाए, कहीं गलत जगह गलत चीज ना कर बैठो, पैसा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए निफ्टी फ्यूचर यस्टरडे वी बोल्डली टोल्ड टू सेल 10,870 के नीचे, क्लियर कट पैनिक था, आपके सामने रिजल्ट है। हमारा क्रूशियल सपोर्ट रेंज 10,270 10,247 10,127, नोट कर लेना मेरे भाई, ये तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे बाय या यहाँ पे सेल करने का सोचेंगे, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द नेक्स्ट डे, यानी कि जो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, प्लस ये वीकली भी लेवल्स काम करते हैं। मेरा लेवल ऐसा नहीं कि बार बार चेंज करना पड़े, ये लेवल्स बाय डिफॉल्ट लिखे, किंग रिसर्च ने लिख दिए हैं और मार्केट इसी के हिसाब से काम करता है। नो बोल बच्चन, बैक टेस्ट कर ले मेरे भाई। टुडे कीप आई ऑन 10,430, 10,370 लेवल, वंस ब्रेक एंड बिलो देन 10,270, 10,247, 10,127 कैन बी कम अपसाइड। लक्ष्मण रेखा जो ऊपर का लक्ष्मण रेखा है 10,530, अगर ये लेवल टूटेगा देन ओनली गो फॉर बाई। 10,530 के ऊपर अगर टूटेगा देन ओनली गो फॉर बाई विद टाइट स्टॉप लॉस 10,470। क्लियर कट बता रहा हूं, एज अ सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो सकता है मैं कल कुछ पोजीशंस इसमें लूं या ना लूं या अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर सकता हूं, बट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके अपने हिसाब से सद्बुद्धि का यूज करके आप ट्रेड करिए। बाद में नारियल मुझे मत फोड़ना मेरे भाई, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है, आपको वो सीखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा ठीक है। आजकल तो लोग भूल ही गए हैं मेरे भाई, मार्केट में कोरोना वायरस जो चल रहा है ना, भूल गए हो ना। लक्ष्मण रेखा 26,770, 26,830, कीप ईगल आई इन दीज लेवल्स, कीप स्टॉप लॉस 26,900 बिटवीन आवर लक्ष्मण जोन ओनली ठोको। क्लियर, वी नीड गैप डाउन ओपनिंग देयर आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम 9:45। टाइमिंग याद रखना मेरा, टाइमिंग सर बॉल फास्ट बॉल आ रही है, टाइमिंग कनेक्ट कर दोगे देखो सीधे बाउंड्री के बाहर। तो रिकवरिंग फ्रॉम 9:45 AM देन इट शुड बी क्लोज इन हायर लेवल्स, देन ओनली वी सी शार्प रिवर्सल इन दिस मार्केट। ध्यान रहे ये चीज डाबर। चलिए अब मैं कुछ चार से पांच छह स्टॉक्स की बात करूंगा आज। सबसे पहला स्टॉक्स मेरे रडार पे किंग रिसर्च ईगल आई के व्यू है, डाबर में सेल नियर 491, 496 विद स्टॉप लॉस 500 रुपीज, लुकिंग टायर्ड, समथिंग कुकिंग बिग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, नजर रखना डाबर के ऊपर। सेकेंड स्टॉक सिलेक्शन, एडवांस स्टॉक सिलेक्शन, अमर राजा बैटरी, यस कैच आवर डार्लिंग स्टॉक, अबव 625 विल फायर अप टू 643, 647, योर स्टॉप लॉस विल बी 621, 618। कीप ईगल आई ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स। यस आवर थर्ड पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन इज टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, कैच मी, ध्यान से सुनना इसको, कैच मी इफ यू कैन बाय इन एवरी पैनिक। मैं सिर्फ बाई करने का सोचूंगा, मैं टीसीएस में सेल करने का नहीं सोचूंगा। अवर मंत्रा ओनली बाई, कहीं भी ओपन हो जाए मेरे भाई सिर्फ मैं बाई करने का सोचूंगा। सिंपल, इन 2 to 3 days शार्प रैली विल कम ऑन दिस पर्टिकुलर कार्ड। स्मॉल हडल, ध्यान से सुनना, स्मॉल हडल है 2030 का, 2030 इज अ स्मॉल हर्डल, वंस क्रॉस 2030 आई विल शो यू द लेवल 2077, 2107। माई फोर्थ स्टॉक सिलेक्शन इज मारुति सुजुकी, यस वन ऑफ माई फेवरेट डार्लिंग स्टॉक मारुति, में मैं डेली बोलता हूं, मैं मंडे को भी लाइव आया था 1 बजे और आप लोगों को यही बोल रहा था भाई डरने का नहीं। सब लोग आपको डरा रहे थे, कोरोना 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 करते भाई, नो कोरोना ओनली ट्रेड करो ना, हमेशा बात याद रखो, जब मार्केट में मूवमेंट है दूर नहीं रहना है, छोटा एसएल के साथ ट्रेड करो, एक जाएगा लॉस, दो जाएगा लॉस, तीन जाएगा लॉस, चौथा ऐसा छप्पर फाड़ के प्रॉफिट देगा मिनिमम, छोटे क्वांटिटी में बड़ा धमाका मिलेगा आपको। मारुति, मंडे को बोला था बाई करने का, रिजल्ट 150 पॉइंट मंडे इटसेल्फ भागा था, दोबारा लिख लो नोट मारुति का। आयशर मोटर बोला था बाय करने का, मंडे को फिर से बोला था, रिजल्ट आयशर मोटर भी देख ले मेरे भाई, 500-600 पॉइंट भागा आयशर मोटर। आज दोबारा बता रहा हूं मारुति इंट्राडे के लिए 6270 विल शो एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, वंस क्रॉस दिस पर्टिकुलर 6270 लेवल इट विल बी जूम टू केस 6358, 6405 बाई एंड सिट रिलैक्स, बट अबव 6270 ओनली कीप ईगल आई। यस छठा स्टॉक लुपिन, क्या करना है
ठोको ठोको ठोको, यस नो इफ नो बट, गो शॉर्ट एंड लुपिन, फार्मा में न्यूज ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, इस लुपिन फार्मा स्टॉक जो है ना इसमें ज्यादा न्यूज इफेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा चार्ट खोल के देख लेना, 17% निफ्टी गिर गई है, लुपिन थोड़ा सा मजेदार नहीं गिरा, बाकी जो पिटे पड़े हैं स्टॉक 10 15 20 25 30 40% गिरे पड़े हैं, लुपिन में ठुकाई नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ एक बार इसकी ठुकाई हो जाए अच्छे से, दिल से तमन्ना है इसकी ठुकाई हो, और कल ही ठुकाई करना चाहता हूँ, तो इट मीन्स वीक है डाटा, सेल एंड सेट रिलैक्स एनी टाइम, 10 20% फॉल ऑन कार्ड बिलो 670 ओनली सेल, माई टारगेट 610 एंड 586। इंडिगो बाई अबव 1237, क्रैप इट विल किस 1276 1290, ये अबव का लेवल याद रखिएगा दोस्त। तो मैंने जो कल के लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन दिया है, इंडिगो पहला, लुपिन दूसरा, मारुति तीसरा, टीसीएस चौथा, अमर राजा बैटरी पांचवा, डाबर छठा, छह स्टॉक्स मैंने आपको दिए, छह स्टॉक्स के लेवल्स नोट कर लेना, होमवर्क कर लेना, जैसे मैं आप लोगों के लिए होमवर्क करके चार्ट्स को एनालिसिस करके, कुछ लिमिटेड शेयर्स मेरे हैं जो फेवरेट, उनको मैं रडार पे लेके उसमें टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ चीज़ें निकाल के जोड़ मोड़ के आप लोग के सामने दिखाता हूँ लेवल्स, जिससे कि आपको हेल्प हो सके, और अगर मेरे भाई अगर हेल्प हो रही है ठोको लाइक, एक ही चीज चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ ठोकने का सोचो लाइक, और हाँ दिल्ली वालों, ऑलमोस्ट 30 सीट्स हमारी बुक हो गई हैं दिल्ली सेमिनार की, अब कुछ लिमिटेड 5 6 सीट्स बचेंगी हमारे पास, कुछ बड़ा सेशन नहीं लेने वाले हैं क्योंकि सर कोरोना का बहुत बड़ा इफेक्ट है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम गैदरिंग में हो अपना, तो जो दिल्ली वाले हैं जो मिस कर रहे हैं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, जल्दी जल्दी सीट बुक कर लो क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं बाद में, क्योंकि सर मैं अपनी क्लास में दुनिया स्ट्रैटेजी सिखाती है, मैं स्ट्रैटेजी की कम साइकोलॉजी की ज़्यादा बात करता हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट में स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा, साइकोलॉजी से पैसा बनेगा, साइकोलॉजी कहते हैं ना 80% काम करती है, 20% स्ट्रैटेजी काम करती है, स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, उल्टा पुल्टा पार्ट वन देख डालो, जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं मेरे भाई मिस मत करो, मार्केट प्लस माइनस सीपीआर उल्टा पुल्टा पावरफुल है, देख डालो, अगर एक को भी पकड़ लोगे ना लाइव झिंगा लाला हो जाएगा, लाइव झिंगा लाला, मेरे पास टाइम नहीं है उसका परफॉर्मेंस डेली बेसिस का दिखाने का, लेकिन सर डेली मैं होमवर्क करके बैठता हूं, देखता हूं क्या चला क्या नहीं चला, पावरफुल रिजल्ट है। सो गाइस थैंक यू सो मच, रात ज्यादा हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कल सुबह उठना है, मार्केट में ट्रेड करना है, वी आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स, सो लेट्स सी कल अपन 10:30 बजे तक कितना करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो स्टे कनेक्ट विद अस, टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप लोगों को तुरंत पहुंच जाए, अगेन हेल्प हो रही हो ठोको लाइक, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू।